कल से रमज़ान शुरू हो गए हैं और यहाँ पे एक लंबी लाइन लगी हुई है देसी स्टोर के बाहर, और हम भी लाइन अप हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। हम अंदर आ चुके हैं अब, और यहाँ पे टेस्ट होता है हमेशा, आपका टेम्परेचर नोट होता है, फिर उसके बाद आप जा सकते हैं। अब हम अंदर आ गए, यहाँ पे ये रेस्टोरेंट भी है, वहाँ से आप पका पकाया खाना भी ले सकते हैं, और उसके अलावा हर ज़रूरत की चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी। ये देखें, आम भी आ गए हैं यहाँ पे, और ज़बरदस्त किस्म के आम हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी आमों का इंतज़ार कर रहे हैं जो अभी तक नहीं आए हैं। सब्ज़ियाँ हैं, ये सब्ज़ियों वाला सेक्शन है, यहाँ हर किस्म की आपको सब्ज़ी मिल जाती है आराम से। दालें, सेवैयाँ, शरबत की बोतलें, जो अफ्तार का लाजमी जुज है, तो लोग धड़ाधड़ ख़रीदारी कर रहे हैं, लेकिन लिमिटेड पीपल कैन एंटर। तो बहुत ज़्यादा रश अंदर नहीं नज़र आ रहा, लेकिन बाहर लंबी लाइनें मौजूद हैं। मेरी अक्सर पाकिस्तानी दोस्तों का और रिश्तेदारों का एक सवाल ये होता है कि कनाडा में आपको मसाले मिल जाते हैं आसानी से। मैं कहती हूँ दुनिया का हर मसाला यहाँ मौजूद है। हम लोग यहाँ पे जहाँ जहाँ से भी लोग आते हैं दुनिया से, वो अपने अपने मसाले जाते अपने साथ लाते हैं, तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं आसानी से यहाँ पर। ये ओपन फ्रीज़र सेक्शन है, यहाँ भी वेजिटेबल हैं, ज़्यादातर फ्रोज़न। यहाँ पराठे ही पराठे हैं, कोई ज़रूरत नहीं घर में पराठे बनाने की। रोटियाँ, पराठे अब हम लोग घर में नहीं बनाते, बाज़ार से ख़रीदिए, हर किस्म के मिलेंगे। ये देखिए, दुनिया भर के मसाले जात मौजूद हैं। पंसारी की दुकान, ये हर्ब्स हैं, हर किस्म की हर्बल दवाएं बनाइए घर में बैठ के, सब कुछ मौजूद है। अब ये है सबसे अहम सेक्शन, जहाँ पे गोश्त होता है। यहाँ पे लंबी लाइन है, 70-75 वा नंबर जो है वो हमारा है। अब तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन ये है जब रमज़ान कल से शुरू हो रहा है तब, वरना इतनी लंबी लाइन यहाँ पे नहीं होती है। मगर फिर भी काफ़ी रश होता है यहाँ पे। देखें, सब मसाले लगे हुए चीज़ें, कीमा, मछली, हर चीज़ में मसाले लगे हुए, इतने सारे लोग अंदर काम कर रहे हैं। ये लैम, गोट, इस तरह से सब शीशे के केस में रखा होता है। आप ऑर्डर करें कि मुझे ये पीस चाहिए, वो काटेंगे और आप
आप बना के जैसी आपकी ख्वाहिश होगी, छोटी बोटियाँ बड़ी बोटी पार्ट से बना दीजिए, पसंदे बना दीजिए, वो सब वैसे ही बना देंगे आपके लिए। ये क़ीमा है जिसमें तीन तरह का क़ीमा रखा हुआ है, बकरे का, चिकन का, ये पाए हैं, सब कुछ है इसमें। और ये अगर आप लंबी लाइनों में नहीं लगना चाह रहे तो वहाँ से ख़रीद लें, ये ऑलरेडी उन्होंने पैक करके रखा हुआ है। तो सहूलत तो बेतहाशा है। यहाँ पे कम से कम 2-3 घंटे स्पेयर करके फिर हम लोग लेकिन गोश्त बहुत अच्छा है। काफ़ी लोग हैं जो देखो कितने लोग सर्व कर रहे हम लोग। बस ये आखिरी शॉपिंग थी, अब हम घर की तरफ रवाना हो गए। खुदा